आपां नूं ये भी देखण दी लोड़ हैगी आ कि क्यों कोई ये नशा वेचण दे विच जांदा है। मेन कारण हुंदा आ पैसे। उन्हां नूं ये लगदा है कि जे मैं अगर नशा वेचदा आ तां फिर मैनूं बहुत आसानी नाल मैं पैसे कमा सकदा है। उन्हां ओह पैसे तों मैं की कहिंदे आ मैं प्रॉपर्टी बना सकदा, मैं गड्डी खरीद सकदा। जदों वेखदे भी आ कि पिंड दे विच भी वेखदे आ तो फिर उन्हां नूं वेख के तो बाकी भी ये करदे यार ये तो फिर चार दिन ये नशा वेच के ये वड्डा बन गया, इन्हां दे उत्ते इन्ने पैसे बन गए कि असीं भी आ कम करीए। लोकां दा विश्वास पुलिस तों उठ गया, लोक कह रहे ने कि पुलिस नाल मिली है, पुलिस खुद नशा विका रही। इहदे विच मैं तुहानूं मैं लोकां नूं ये अश्योरेंस देना चाहनी आ तुहाडे माध्यम दे राही, अगर साडे विचों पुलिस मुलाजम का किसी की भी कोई भी इनवॉल्वमेंट आती है, वो मिलावट आती है, वो मैं दस देन, पुलिस जी जो सीनियर ऑफिसर से उन्होंने दस देन, ये मेरी गारंटी है कि वो अगले दिन नौकरी च नहीं रहूगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। उन्होंने मैनू बस इनफॉर्मेशन आ जाए कि कोई भी उदे रिकॉर्डिंग कोई सबूत हो, असी अपने तौर पर कर ही रहे जो भी ब्लैक शीप्स होंगे ने। देखिए ये सोसायटी हैगा अपनी जो डिपार्टमेंट है इत्थे भी सोसाइटी तो ही आते हैं पुलिस मुलाजिम, जो है उस हिसाब से कोई भी लोग है कोई भी महकमे दे जो मुलाजिम होंदा आ एट द एंड ऑफ द डे असी सारे इसी सोसाइटी का पार्ट हैगे। तो कोई भी थां ते कोई सारे चंगे नहीं रहिंदे, सारे माड़े नहीं रहिंदे। अगर मान लो कि तीन चार बंदे जो रले भी है उहदे खिलाफ 40 बंदे मेरे इद्दां दे लोक ही हैगे आ जो अपने जान दे उत्ते खेड के इस दे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे ने। तो इहदे करके ये मेरी गारंटी है अगर कोई अपनी डिपार्टमेंट का ही बंदा आ जिन्होंने किसी के नाल ये रल मिल के नशे तस्कर रलिया होया या इन्हों का मदद कर रहा, मेरे को वो इनफॉर्मेशन आए वो उसी दिन शाम को उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर तुहाडे राही मैं छपवा देना जी। बिल्कुल मैम, एक चीज़ होर आ कि जिस तरीके पहले वट्सअप नंबर जारी होंदा वा, उस तो बाद सैमीनार लाए जाते हैं, इलाके जाके नुक्कड़ नाटक भी किए जाते हैं, पर उस तो बाद हुण नवा एक उपराला पंजाब पुलिस वालों शुरू किया गया। ये जो बिल्कुल जी, क्योंकि जिवें मैं पहले भी कह रहे थे हर पहलू दे उत्ते आपां नूं कम करनी होंदी है, जिथे जिथे अवेयरनैस की लोड़ है उत्थे अवेयरनैस की है, जिथे आपां नूं मान लीजिए कि जो ऑलरेडी डी एडिक्ट हो चुके ने उन्हां वल्लों मोटीवेट करवाउण की लोड़ पैंदी है, उत्थे असीं मोटीवेट भी कराउंदे आ, लेकिन साडी प्राइमरी जिम्मेवारी हैगी है लॉ एनफोर्समेंट, जो नशा वेच रहे ने उन्हां नूं फड़ के अंदर देना, वह साडी पहली कम हैगी। उहदे रिगार्डिंग जो असीं की कर रहे हैगे, जो हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट का मतलब हैगा कि जिथे बहुत ज़्यादा सानू कंप्लेन्स हैगे कि इतने नशा विकदा आ, वो भावें वो रेसीडेंट्स है उतों की हैगे या मीडिया रिपोर्ट्स ने उदे और सानू अपनी इनपुट्स होंगे ने उदे हिसाब से जो हॉटस्पॉट्स होंगे आ उत्थे 24 घंटे साड़ी जो टीम्स बने हुए ने वो एक DSP साहिबान 8-8 घंटे की शिफ्ट के एक DSP उत्थे उदे वास्ते जिम्मेवार रहेंगे, वो इंश्योर करेंगे 24 घंटे उस एरिया दे विच पुलिस प्रेजेंस रहूगी अपने थाणियां दा कम दे अलावा, ये बस उस एरिया दे विच ये इंश्योर करने के लिए कि उत्थे कोई नशा नहीं विकेगा। अगर कोई बंदा कोशिश करदा उत्थे करन दा तो फिर उन्हां नूं असीं फड़ के अंदर देवांगे जी। अंदर दिते जांदे ने पर जमानत तों फिर बाहर आ जांदे, फिर आण के उही धंधा फिर उस कारोबार करन लग पैंदे नशे दे। तो वो ये चैलेंज हैगे जी, क्योंकि साडा जो कम हैगा असीं इन्हां नूं जो कम करते हैं गलत कम करते उन्हों अरेस्ट करना, उदे अकॉर्डिंगली अपना केस फाइल करना और जुडिशरी नू देना, बेल देना वो जुडिशरी दी मतलब वो एज पर लॉ वो करते हैं, इट इज़ एज पर द प्रोविजन। उदे च ये नहीं है कि मतलब मान लो कि कोई बंदा 3 बारी बाहर आ जाता 34 बारी बाहर आ जाता तो फिर असी उन्होंने मतलब कंप्लीटली अंदर रख सकते, वो जदों केस ट्रायल खत्म होती है कन्विक्शन होती उसी वेले ही उन्होंने पूरी सज़ा हो सकती है। मेरी मतलब ये भी हैगा जो इनफैक्ट असी सारे पिंड दे वेले जदों मीटिंग कीते सीगे, बेल कौन देंदा है, बेल एप्लीकेशन बेल जो वो तो हैगी अपने पिंड दे बंदे ही जांदे जी, मौतवार बंदे ही जांदे उहदे करके उन्हां दी बेल हो जाती है। तो गल ये हैगा कि जो प्रोविजन हैगे आ कानून दे प्रोविजन वो सारे नूं फॉलो करनी ही होंदी है, कोर्ट भी अगर उन्हां नूं कोई बेल देण नूं सामने आंदे तो कोर्ट भी मना नहीं कर सकदे आ बेल देण तों, तो इहदे करके बट असीं उहदे ते नज़र रखदे, उन्हां दी एक्टिविटीज़ ते नज़र रखदे जो बेल आउट होंदे ने, अगर दोबारा वो कम करदे तो फिर उहदे अकॉर्डिंगली साडे कोल प्रिवेंटिव एक्शन्स भी हैगे या कलंदरा भी है, वो एडिशनल एक्शन्स भी असीं लैंदे आ जी।
जिस तरीके हम बटाले शहर का माहौल आ बहुत सारे लोग जवाब मंगते हैं पुलिस को ही मंगते हैं अखीर जो उन्होंने कोई वारदात वापरती है चाहे लुट्टा खोवा हो किसी की चैनी लाते बाजार से भरे जाते पर बटाले वाले जवाब मंगते हैं गल फिर आँगी ताे एस एस पी जवाब देना पैंता पुलिस को जवाब मंगते हैं तुम मेन हो जोड़े भी ऑफिसर हो तेरे को जवाब मंगते हैं कि किस तरीके इन लोगों बंद किया जाए क्योंकि नशे के आदि लोग होंगे ने आदि उक होंगे ने उ नौजवान होंगे ने जोड़े अजिहे काम करते हैं लुटा खोव करते हैं भरे बाजार किसी की चैनी ला ली या किसी दी वालियां लैके फरार हो जाते हैं इन लोगों के किदा नत्थ पेगी ये आही है ना जी अपन ये डिफरेंशिएट करना पाएगा जो नशा वेचन वाले है और नशा सेवन करन वाले है जो ये जो नशा सेवन करन वाले है वो विक्टिम ने उन्होंने असी उसी तरीके से देखिए वो विक्टिम ने उन ये इन्हों का असी इलाज वल तुरीए साढ़े को डी एडिक्शन सेंटर्स है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ है तो जो असी एक मौतवार बंदे होंगे तुसी कह रहे थे कि जवाब पुलिस वालों मंगी जाती हैगी है इन्हों असी जो नशे की आदि ने उन्होंने असी डी एडिक्शन सेंटर वाल ले जाइए उन्हों का ट्रीटमेंट करा लीए ताकि एक जिम्मेवारी के तौर पर वह काम असी करते हैं तो फिर ये सारे वारदात जो है वह भी कट हो जाएंगे और साढ़े वल साढ़े अंदर जो बंदे इस बीमारी तो जो गुजर रहे हैं इन्हों मैं बीमारी ही कहंगी इस बीमारी तो जो गुजर रहे हैं उन्होंने भी इलाज हो जाए और वो भी एक रिफॉर्म होकर अपना मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आ सकते समय इस तरीके का वा कि अजकल लड़कियां बहुत सारी आदि हो गई नशे दी वेरी अनफॉर्चुनेट है जी ये करके ही अपना असी सारे पहलू तो असी कर रहे हैं इनफैक्ट कल मतलब आज तो ही असी शुरू किया एज अ बटाला पुलिस का एक इनिशिएटिव एंटी ड्रग कैंपेन के तहत एक स्पोर्ट्स इवेंट्स असी शुरू किए हैं अज हॉकी का मैचस ने कल जो फुटबॉल के है और 12 तरीक न जो है वो एथलेटिक्स जो है 100 मीटर रेस होंगी है 200 मीटर रेस होंगी है वो सारे वास्ते ओपन है वो भी मैं फोकस कर रही हैगी जो अपने स्कूल के और कॉलेज के बच्चे है जो वलनरेबल एज ग्रुप होंगी है उन्होंने असी स्पोर्ट्स वल ये कर लिए स्पोर्ट्स वल ले जाइए लेके आइए ताकि ये नशे की जो है वो अपना उस ऐसे संगत तो वो बाहर आ जाए और वो देख लिए कि उन्होंने कोल किन्ने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगे जाने ताकि स्पोर्ट्स वाल उदे ते इंटरस्ट ले लैन अपना हेल्थ वाल इंटरस्ट ले लैन इत्थे लैके फिर नशे तो दूर हो जाए तुहाडे वल्लों एक वट्सअप नंबर भी जारी किया गया जिसने इस एथलीट दे विच भाग लेना लै सकदा कोई इहो जे नौजवान जां इहो जिहियां नौजवान लड़कियां आईयां होण जिहड़ियां नशे दीआं आदि होण उस वट्सअप कारवाई उहदे विच साडे कोल इनफॉर्मेशन आउंदी रहिंदी हैगी है जो वो बेसिकली वट्सअप नंबर जो असीं बणाए सीगे वो कोई भी अगर कितने नशा विकती आ तो फिर वो बारे इनफॉर्मेशन देने दे वास्ते रखा सीगा उदे सानू इनपुट्स भी आए ने उस इनपुट के उत्ते साड़ी कार्रवाई भी हुई ने उदे विच जो छोटी मात्रा दे विच मतलब जो लोग पब्लिक जो कॉल करते हैं तो वो मान लो कि उन्होंने आस पास के जो लोग हैं वो नशा वेचते हैं तो वो रिगार्डिंग वो कॉल करते हैं कितने मतलब 5 ग्राम विक्री है कितने 10 ग्राम हेरोइन की विक्री हो रही है उदे बारे साडे कोल इनफॉर्मेशन भी आई है उन्होंने इनफॉर्मेशन के उत्ते असी परचा भी दिते है और बंदे भी अंदर दिते है और जो तुसी कह रहे हो कि जो नशे के आदि होण वो अपने आप नूं रिफॉर्म करन दा ये करते हैं वो भी साडे कोल कॉल्स आए ने असी पहले उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि असैस करन दा कि इन्हां दी किन्नी किन्नी हद तक इन्हां दी अडिक्शन हैगी आ इन्हां नूं असी कित्थों दिखाईए कि डॉक्टर के कोल दिखाईए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अपने इत्थे लोकल भी है अमृतसर के भी है उदा भी असी असैसमेंट क्योंकि असी ना नहीं दे सकते हैं किसी का जो है जो मदद साढ़े तो मंगते हैं तो असी ना नहीं दे सकते बट असी हमेशा इत्थे पुलिस एज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी साडा लॉ इनफोर्समेंट होने तो बावजूद भी असी इस पासे भी असी काम कर रहे हैं असी टाई अप कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वालों टाई अप कर रहे हैं NGOs दे नाल टाई अप कर रहे हैं ताकि किसी नूं भी जो मदद की लोड़ है अगर वो डिसाइड करते हैं असी इस चीज़ तो बाहर आना चाहते हैं थोड़ा जहा भी उन्होंने हैंड होल्डिंग की लोड़ पैंदी है उसे वो वास्ते असी खड़े हैं।